मैं आपका मनोज सर, मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए थ्योरी ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज का सिद्धांत आज पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने थ्योरी ऑफ इंटरफ्रेंस, न्यूमेरिकल्स, उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को देखा। आज हम लोग थ्योरी ऑफ फ्रिंज के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ फ्रिंज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रिंज किसे कहते हैं। What is fringe? Fringe किसे कहते हैं? Fringe क्या है? तो ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से। Fringe, यहाँ पे बोर्ड पर मैं कुछ बना रहा हूँ, ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए। ये मैंने कलर बैंड, क्या बनाया मैंने? कलर बैंड। इसको बोलते हैं डार्क, सो क्या बोलेंगे हम लोग? डार्क। और इसको हम लोग बोलेंगे ब्राइट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ब्राइट। अब ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पर लिखे हैं व्हाट इज फ्रिंज, फ्रिंज है क्या? ये जो कलर बैंड हम लोग को दिख रहा है, ये कलर बैंड को ही हम लोग फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? फ्रिंज। अब ध्यान सुनेंगे कि इसमें एक ब्राइट है और एक डार्क है, यानी एक ब्राइट बैंड है और एक डार्क बैंड है। ये जो ब्राइट बैंड और डार्क बैंड है, इसी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। कहां से प्राप्त होता है? तो इंटरफ्रेंस पैटर्न, व्यतिकरण पैटर्न से। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, डिफिनेशन क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया किसी भी पर्दे पर, किस पर? पर्दे पर, किसी भी पर्दे पर दो कला संबंध स्रोत के कारण, किसने कारण? दो कला संबंध स्रोत के कारण जो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता के कारण, किसे कारण? महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रता के कारण ब्राइट एवं डार्क फ्रिंज जो प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? फ्रिंज। यानी जो ब्राइट और डार्क बैंड हम लोग को प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिंज कहेंगे। कह सकते हैं कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फ्रिंज। यानी स्क्रीन पर, पर्दे पर जो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता कारण जो बैंड प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? फ्रिंज कहते हैं। फिर समझ में आ गए। अब इसका शेप होता है, देखिए फ्रिंज का शेप, ये आपका अल्टरनेट है, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, इस तरह से अल्टरनेट है। इसका शेप भी बहुत सारे होते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना। कुछ फ्रिंजे जो है इस टाइप के होते हैं, ये देखिए, कुछ फ्रिंजे जो है आपका सर्कुलर नेचर का होता है, ये देखिए, ये हो गया आपका शेप ऑफ फ्रिंज। ये आपका फ्रिंज है जिसमें ये ब्राइट होता है और ये डार्क होता है। ब्राइट और डार्क होने का कारण है महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। तो ये हम लोग फ्रिंज का परिभाषा जाने, फ्रिंज किसे कहते हैं उसे समझे। अब समझेंगे हम लोग फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। फिर समझेंगे मेरे बच्चे, फ्रिंज की समझेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ। ध्यान से देखिए फ्रिंज विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ। देखिए मेरे बच्चों, फ्रिंज विड्थ को FRING, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, ये VVI है, पूछता है मेरे बच्चे, आता है। और इसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले वीडियो में, आज थ्योरी को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं मेरे बच्चे बीटा से। किससे? बीटा से। तो पहले फ्रिंज विड्थ को समझेंगे। फ्रिंज विड्थ कहते हैं किसको? ये पहले मैं बना रहा हूं फ्रिंज, फ्रिंज, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। देखिए यहां ध्यान से, ये देखिए बीटा, और इसे देखिए, ये भी बीटा। मतलब क्या हो गया कि दो ब्राइट बैंड या दो डार्क बैंड के बीच की दूरी को
हम लोग फ्रिंज विड्थ बीटा कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं दो ब्राइट फ्रिंज या दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बीटा इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू लैम्डा, डी बाई डी इंटू लैम्डा। डी क्या हो गया, डी आपका स्क्रीन से स्रोत के बीच की दूरी, और छोटा डी क्या हो गया, दो स्रोतों के बीच की दूरी, और लैम्डा में क्या हो गया, वेवलेंथ तरंग है। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, सोर्स छोटा डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, एंड लैम्डा क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा लैम्डा को, है ना, लैम्डा, लैम्डा को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ, क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ, क्या कहेंगे मेरे बच्चे, वेवलेंथ। अब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, जानेंगे कैसे आता है। नहीं आओ आई बीटा इक्वल टू, बीटा इक्वल टू, है ना, हम लोग क्या देखे थे, डी बाई डी इंटू लैम्डा, बीटा इक्वल टू डी बाई डी इंटू लैम्डा। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं प्रूफ इसका, देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फिगर जो हम लोग इंटरफ्रेंस में लिए थे वही फिगर, इसे हम लोग स्क्रीन करते हैं। ये देखिए स्क्रीन हो गया, यहाँ पर हम लोग पी पॉइंट ले लिए, ये दो गो स्रोत हो गया एस वन और एस टू, ये हो गया एस वन, ये हो गया एस टू, पी पॉइंट, वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है इस पी पॉइंट तक, है ना, ये हम लोग यहाँ पर से निकाले थे, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिए थे स्मॉल डी, दो स्रोत के बीच की दूरी, ये पर्दा है स्क्रीन है, स्क्रीन से स्रोत के बीच की दूरी को कैपिटल डी, और हम लोग यहाँ से ये डाले थे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिए थे वाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव वाई, है ना, ये एंगल क्या बन गया थीटा, ये एंगल क्या बन गया थीटा। तो हम लोग देख चुके हैं डी हो गया स्क्रीन से स्रोत के बीच की दूरी, स्मॉल डी हो गया दो स्रोत के बीच की दूरी, थीटा ये एंगल बन गया, है ना, ये वाई हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, यहीं पर हम लोग को क्या मिलता है फ्रिंज, क्या प्राप्त होता है फ्रिंज, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड अल्टरनेट। आइए यहां से हम लोग लेते हैं, ध्यान देखिए ये आपका देखिए डी दिया हुआ, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, आइए डेल्टा एक्स दिया हुआ, तो ट्राइंगल से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो, है ना, तो थीटा के सामने ये पी, है ना, और आपका हो गया ये बी, और ये हो गया एच, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई एच, तो पी हो गया आपका ये डेल्टा एक्स, है ना, और एच हो गया आपका कौन डी, तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाई डी, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स कैंसिल गया लोगों को डी साइन थीटा। अब देखिए यदि इफ थीटा स्मॉल हो, थीटा इज स्मॉल, थीटा छोटा हो, थीटा क्या हो छोटा हो, तो साइन थीटा इजकल टू टैन थीटा इजकल टू थीटा, है ना, साइन थीटा किसके बराबर टैन थीटा बराबर, और टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा थीटा बराबर, तो डेल्टा एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, है ना, डी थीटा, डेल्टा एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहां से हमको निकाल लेना है किसका वैल्यू थीटा का, किसका वैल्यू निकाल लेना है थीटा का, तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए तो टैन थीटा इक्वल टू ये वाई है और ये डी है, तो हो जाएगा वाई वाई डी, तब क्या हो जाएगा देखिए तो, है ना, नाउ तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू, है ना, डी इंटू वाई वाई डी। अब वाई हमको निकालना है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स,
y इक्वल टू क्या निकल गया, डी बाई डी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो y इक्वल टू निकल गया मेरे बच्चे डी वाई डी इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहां पर होता है लेमडा के इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट लेमडा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू डी वाई डी इंटू लेमडा। अब ये y जो आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, जो y है वो किस में बदल जाएगा, तो अल्टरनेट ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, यानी कि ये जो y है बीटा में, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा y, है ना। तो आपका बीटा इज इक्वल टू निकल गया डी वाई डी इंटू लेमडा। अब ये डेल्टा y तो होता क्या है, y यहाँ पर एक बार ब्राइट के लिए बी आर आई जी एस टी वाई ब्राइट, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा इस फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इसको ले लेते हैं, तो हो जाएगा डी वाई डी और डेल्टा एक्स हो जाएगा इंटू एंड लैम्डा ब्राइट के, जहाँ एंड जीरो वन टू डॉट डॉट डॉट। अरे वाई निकल गया डार्क बैंड के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा डी वाई डी और ये हो जाएगा 2n माइनस वन लेमडा बाई टू। तो ये ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के लिए, इसलिए बीटा इज इक्वल टू हम लोग डेल्टा वाई कर देते हैं। यही फ्रिंज विड्थ होता है डी वाई डी इंटू लेमडा। बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल जानेंगे। ये था फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई और शेप ऑफ फ्रिंज, जो कि हम लोग इसको अच्छी तरह से सीखे। आपका नमस्कार।